केसरिया वालम आओ हमारे देश। सवाल तो मन ने पूछना चाहिए तुम दोनों से कि रात के इस समय तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जागते रहो। तुम लोग अठे ही रहना। जागते रहो। और मेजर साहब इतनी रात गए अटके करने लाग रहे हो? वही जो आप दोनों कर रहे हो, इस गांव की पहरेदारी। बढ़िया है बढ़िया है। चलो उठो, कहीं बोलो। ताजी महाराज का शुक्र है कि मैं हमको बचा लिया। याने के गांव के लोग सही कह रहे थे कि रुक्मी को माफ कर दो विक्रम, हमारे पास कोई रास्ता ना था। पर हमारे को समझ को नहीं आवे कि तुम दोनों इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? विक्रम, जीजी के सासरे वालों ने उनको बकफेरे के वास्ते नहीं पर हमेशा के लिए वापस भेज दिया। पर हवेली वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतनी धूमधाम से ब्याह कर ले गए थे तो दूसरे ही दिन। विक्रम, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, पर इस वक्त हमारा मंदिर जाना बहुत जरूरी है। मंदिर? रात के इस समय तुम दोनों मंदिर जाने के लिए निकले हो? और के करे विक्रम, दिन के उजाले में धोखा खाया तो रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, चलो मैं भी साथ चलता हूं। भी चलोगे हमारे साथ? हाँ, अब चलो भी। और रास्ते में मन्ने अपनी सारी बातें भी बता देना। चलो बाहर आ जाओ। मेरे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाइए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। धोखा तो हुआ है बेटा, लेकिन रुक्मी ने तुम्हें धोखा दिया ये ना मान सकूं मैं। जिसने मुझे तुमसे बांध रखा,
धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। मोक सिवध बोली झूठ तू भूल गई संसार। शिवजी महाराज, पिछली बार जब मैं आपके पास कुंवर सा के नाम का धागा बांधने आई थी तो कुंवर सा से छूट कहा था कि हमारी सगाई हो चुकी है, पर आज आज सच्चे दिल से आपके दरबार में फिर एक बार उनके नाम का धागा बांधने आई हूं। बस मन ने उनके पैरों में रहने की जगह दे दी जो जिससे जीवन भर उनकी सेवा कर सकूं, उनकी दासी बनकर रहने की हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। पांख कलहररी नीरी पंख रूमूर ओ तू सारी रात करलावियो तना क्या दुख लागो मो। आपके चरणों में रहने की प्रार्थना की थी, शिवजी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुनी। मारे को अपने चरणों में जगह दे दो। कौन सा आपको मारे लिए शिवजी महाराज ने यहां बुलाया, वरना हम दोनों एक ही वक्त यहां क्यों होते? शायद इसी ताकि आज शिवजी महाराज के सामने मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। रुक्मी की असलियत जाने बगैर ना सिर्फ मैंने उससे प्यार करने की भूल की बल्कि उससे शादी भी की। ये मेरी सच्चाई थी, लेकिन अब मैं अपनी भूल की सजा अपने घर वालों को नहीं देना चाहता। शायद मैं पहला इंसान हूंगा जो आपके पास रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिश्ता तोड़ने के लिए धागा बांध रहा। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मुझे रुक्मी की यादों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए। बस आपके दरबार में इस रिश्ते से मुक्ति की भीख मांगने आया। धोखा हरी जीजी ने ना दिया। रसलाल, बोलने दो जी। आज
शिवजी महाराज ने मौका दिया है तो करने दो खुलासा, क्योंकि आपको दोषी ठहराया जा रहा है। हमें बेईमान कहा जा रहा है जीजी, जबकि सारी हदें इन्होंने पार करके धोखा आपको दिया है। साल चुप कर, नहीं होगी चुप। क्या गलत कहा है मैंने? आज उनकी वजह से आपको ये सब। चिणकी, मैं दासी बनने की प्रार्थना करने आई हूँ, तुम्हारे सामने उड़ी का अपमान कर रही है। बस बंद करो ये ड्रामा, तुम्हारे इस नाटक से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी? तो तो जाने है ना, मैं अपने देवता का अपमान नहीं कर सकती। माफ कर दे। हाँ जी जी। सोते समय इतना पानी नहीं पीना चाहिए था, बस जोर की आई है। रुक्मी जीजी और रसाल जीजी कट्टे हैं, कहीं सचमुच तुम मंदिर नहीं चल गई? अब पापा उठकर कमरे में आ गए तो? क्यों कटे चल रहा? पापू बहुत जोर की आई है। अरे तो रोक के क्यों रखी है, जा कर के आ। पहले मैं आपके वास्ते पानी ला देता हूँ, लाओ लोटा मने दो। अरे पानी तो मैं ले लूंगा, तू थारे निपट करके आ, रोक के रखना अच्छी बात नहीं है। पापू आप बैठो ना, अगर माँ उठेंगी तो कहेंगी तू पापू के वास्ते पानी भी ना ला सके, लाओ लोटा मने दो। रुक, पहला मने ये बता कि तू मारे लिए पानी लाने की जिद क्यों कर रहा है? अरे कहीं मटका तो ना फोड़ दिया तूने? ना बापू, मैं मटका क्यों फोड़ूंगा? या लोटा बने दे, मैं देख कर आता हूं। अरे तो अभी तक यही खड़ा है? आप पहले पानी तो पी लो। रुक्मी, रसाल, ये रुक्मी और रसाल कटे है मुन्ने की कबर। आज एक बात का तो मन ने भी विश्वास हो गया कि शिवजी महाराज की इच्छा कुछ और ही है, वरना आज की रात कुंवरसा का मंदिर में आना कोई संजोग नहीं, शिवजी महाराज का चमत्कारी हो सके। ये सब मारी जीजी के विश्वास से हुआ, ये तो कितने दिनों से वहां जाना चाहती थी, पर आज रात ही मौका मिला। जीजी, शिवजी महाराज आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इतने दिनों बाद उन्हें सामने देखकर धन्य हो गई मैं, बस अब उनके करीब रह सकूं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ही होगा देखना, और वो भी मारे और रसाल के ब्याह से पहले। विक्रम, तुम अपनी माँ और भाभी से क्या कहोगे? वही जो तुम चाहती हो, जो रुक्मी और थारे माँ बापू चाहते हैं।
हरी रुक्मी जी अपने ससुराल में ही है। मारे से नाराज तो ना होना। हूँ तो। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं थारे सुख दुख में थारे साथ ना हूँ? विक्रम, मारे वास्ते मारी रसाल को माफ कर दो। वैसे भी मैं अपनी रसाल से ज्यादा दिन नाराज ना रह सकूं। अब चलो अट्टे से, तुम दोनों अपने घर जाओ, अब कोई देख नहीं पावेगा। और मैं भी अपने घर जाता हूं। चलो। झूठ बोलना थारे खून में समा गए रुक्मी। से झूठ बोल के मारा सिर नीचे किया, अब रसाल को झूठ बोलना सिखा रही है। कहां गई थी इतनी रसाल? ताला क्यों लगा रखा है? माफ, वो तू चुप कर, मैं इससे पूछ रही हूं। झूठ क्या, पूरे गांव में बदनामी करके आना चाहे? क्यों पीछे शर्म का बदला ले लिया तू हमसे? अरे ये चाहती है कि हम शर्म के मारे ये रही, उठा कुलाड़ी और मार दे मने। आपने मार दूं? ठीक है,